लबनान में एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का आगाज हो गया है और सैकड़ों अफराद बैरूत की सड़कों पर निकल आए हैं। मुश्तिल अफराद ने पार्लियामेंट के रास्ते पर लगा गेट भी तोड़ डाला। लबनान के अवाम हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा लेकर एक बार फिर दारुल हुकूमत बैरूत सड़कों पर आ गए हैं। मुश्तरक मुजाहरीन ने पार्लियामेंट की जानब जाने वाले रास्ते पर लगा गेट तोड़ दिया। मुजाहरीन ने पार्लियामेंट जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और मुश्तिल अफराद पर आंसू गैस की शालन की। जवाब में मुजाहरीन ने पुलिस पर पथराव किया और रुकावटें तोड़ने की कोशिश की। लबनान में 4 अगस्त को होने वाले बंदरगाह धमाकों के बाद से आवाम में हुकूमत के खिलाफ शदीद गम-गुस्सा पाया जाता है। इन धमाकों में 150 से ज्यादा अफराद हलाक और 5000 के करीब जख्मी हुए थे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहरीन ने पार्लियामेंट का घेराव किया और कई मकामात पर तोड़ फोड़ भी की।